हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी मैं आ चुका हूँ कोटा में, एक ही ओम बन्ना का मंदिर यहाँ पर बन चुका है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर गेट बना हुआ है। और दोस्तों, ये जो मंदिर है, ये जो आप बैराज वाला रोड है, इसी रोड पर यह मंदिर स्थित है। तो किस तरीके का ये मंदिर यहाँ पर है, जैसा मंदिर आपको पाली ज़िले में ओम बन्ना का देखने को मिलता है, उसी तरीके का जो मंदिर है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको मंदिर में अंदर लेके चलता हूँ। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ओम बन्ना सा धाम कोटा लिखा हुआ है और ओम बन्ना का फोटो भी यहाँ पर लगा हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये एंट्री गेट है। अभी हम मंदिर में आपको अंदर लेके चलते हैं। ये देखिए, अभी हम मंदिर में अंदर आ चुके हैं और सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओम बन्ना सा का मंदिर बना हुआ है। और आज 34वीं पुण्यतिथि है ओम बन्ना सा की। तो अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरीके का ये मंदिर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। और आज पाली ज़िले में विशेष तौर पे ओम बन्ना की पुण्यतिथि पे जागरण भी रखा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरीके की बाइक ओम बन्ना सा की थी, तो उसी तरीके की जो बाइक है यहाँ पर रखी हुई है। और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर मूर्ति भी है। और ये इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है और ऊपर ध्वजा लगी हुई है, इधर भी ध्वजा लगी हुई है। और एक पेड़ आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसपे जो मूली वगैरह ये बंधी हुई है। तो अभी हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं थोड़ा नज़दीक से। ये सामने आप देख सकते हैं ओम बन्ना सा की जो मूर्ति है यहाँ पर रखी हुई है और उनकी फ़ोटो भी रखी हुई है। ओम बन्ना साहब के बारे में आपको मैं थोड़ा बता दूँ कि ये जो ओम बन्ना सा हैं, ये चोटिला ग्राम के हैं। और इनकी डेथ कैसे हुई कि एक्चुअल में जब ये अपने ससुराल से होके रास्ते में जब आ रहे थे, तो उसी समय इनकी जो बाइक है जिसका नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं 7773, तो इस बाइक का नंबर ये था। और ये जो एक पेड़ से टकरा के और दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, तो उस समय इनकी बाइक को जब थाने ले जाया गया तो ये जो बाइक है वापस से स्टार्ट होके और उसी स्थान पे आ गई। क्योंकि कहा जाता है कि जो ओम बन्ना सा हैं वह एक ही समाज सेवी थे और समाज सेवा का काम करते थे और लोगों के दिलों में बस गए थे। तो ख़ास तौर पे ये बाइक भी आप देख सकते हैं, एक ही अद्भुत है जब ये बाइक स्टार्ट होके उसी स्थान पे आ गई थी। तो अभी हम थोड़ी इनसे जानकारी ले लेते हैं, यहाँ पर जो सेवादार हैं। तो दोस्तों, अभी यहाँ पर जो सेवादार हैं, यहाँ इनकी सेवा पूजा जो करते हैं, इनसे हम बात करेंगे कि ये जो मंदिर है दोस्तों, ये कब बनाए। और जैसा कि आपने देखा होगा पाली ज़िले में ओम बन्ना सा का मंदिर, तो ठीक वैसा ही मंदिर है। तो अभी मंदिर के बारे में जो ज़्यादा जानकारी है इनसे हम लेते हैं। तो सर, आपका नाम बता दीजिए। जय श्री ओम बन्ना सभी भक्तों को। मेरा नाम राहुल बना है और मैं कोटा धाम का संस्थापक हूँ और सेवादार भी हूँ। तो जैसा कि भैया, आज ओम बन्ना सा की 34वीं पुण्यतिथि है और पाली ज़िले में आज भव्य जागरण भी होने वाला है, जैसा कि मैंने न्यूज़ में पढ़ा भी है। तो आज क्या यहाँ पर कुछ खास होने वाला है? हमारे यहाँ प्रोग्राम एक्चुअली जो चोटिला धाम है, तो वहाँ पे 15 नवंबर को भव्य जागरण है। सुप्रसिद्ध राजस्थान के कलाकार प्रस्तुति देंगे और ओम बन्ना का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और 16 तारीख को अष्टमी के दिन महाप्रसादी है। तो आप सभी लोगों से मैं भी निवेदन करूँगा, आप सब लोग पधारें और ओम बन्ना का आशीर्वाद प्रदान करें। और जो कोटा धाम है, इसमें अपन को 2 दिसंबर को प्रोग्राम रखेंगे, क्योंकि जिस दिन इनका एक्सीडेंट हुआ था वो डेट थी 2 दिसंबर और तिथि थी अष्टमी। तो गांव में जो चोटिला धाम है वहाँ पे तिथि के हिसाब से कार्यक्रम किया जाता है, क्योंकि तिथि बहुत मान्य होती है। और क्योंकि यहाँ के वक्त भी हम लोग भी ओम बन्ना के दर्शन पाना चाहते हैं, इस वजह से हम चोटिला पधारेंगे। तो मैं सभी लोगों से, कोटा वासियों से और हाड़ौती क्षेत्र से निवेदन करना चाहूँगा, 2 तारीख को यहाँ पर, 2 दिसंबर को जो भी ओम बन्ना की इच्छा होगी वो कार्यक्रम यहाँ आयोजन किया जाएगा। तो जैसा कि भैया ने अभी यहाँ पर बताया कि इनका भव्य जागरण भी वहाँ पर होने वाला है। और ये जो वीडियो व्लॉग बनाने का दोस्तों मकसद है कि अगर आप पाली नहीं जा सकते, अगर आप कोटा से बिलोंग करते हैं, कोटा के आसपास से बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ पर आकर ओम बन्ना सा के दर्शन कर सकते हैं। काफ़ी ये अच्छा मंदिर है। तो हम जानना चाहते हैं कि जो मंदिर है ये कब बना और कब इसकी जो स्थापना यहाँ पर करी गई है? मंदिर को बने हुए यहाँ मूर्ति स्थापना को 6 मंथ हो गए, यानी कि 6 महीने हो गए, और बुलुट स्थापना को 2 महीने होने को आए हैं। और जो आप ये पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ पीछे वाला पेड़, ये पेड़ जो, ये मंदिर जो देख रहे हैं, ये मंदिर 7-8 साल पुराना है जी। यहाँ पे बनासा की फ़ोटो रखी हुई थी, हमारी दाऊना सभी की यही थी जी। काफ़ी लोगों ने यहाँ ढोका है, तो किसी के बच्चे नहीं थे तो ढोकने से बच्चे हुए हैं, कोई बहुत ही बीमार था तो यहाँ ढोकने से बहुत बीमारी सही हुई है, बहुत ज़्यादा किसी के एक्सीडेंट होते हैं तो वो यहाँ ढोकने से काफ़ी
एक्सीडेंट का। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आप इष्ट रखते हैं, मतलब आराधना करते हैं और अपने मन में सच्ची भावना रखते हैं, तो जो काम नहीं भी होता है वो भी हो जाता है। बस मन में आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान कण कण में विराजमान है, और अगर आप जब भी भगवान को सच्चे मन से याद करेंगे तो आपकी जो मनोकामना है वो जरूर पूरी होगी। जैसा कि आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पेड़ है, तो ये पेड़ काफ़ी पुराना यहाँ पर बताया जा रहा है। तो जैसा कि भैया ने भी बताया कि अगर किसी के बच्चा नहीं भी था तो उनके भी बच्चा हुआ है, और जो लोगों ने जो भी मनोकामना यहाँ पर मांगी है तो उनकी मनोकामना जरूर पूरी हुई है। तो काफ़ी अच्छा लगा भैया यहाँ पर आके, और हम और लोगों से भी आग्रह करेंगे कि अगर वो यहाँ पर आकर दर्शन करना चाहते हैं तो ज़रूर वो यहाँ पर आकर दर्शन करें। तो थोड़ा हम और भी आपको थोड़ा व्यू दिखा देते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं अभी कुछ दर्शनार्थी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं ओम बन्नासा के। तो अभी इनसे हम जानते हैं कि कहाँ से ये पधारे हैं। हम लोग उज्जैन से आए, एक्चुअली उज्जैन से आए ओम बन्ना के दर्शन करने के लिए, और वाकई उनकी बहुत मान्यता है और साक्षात हैं वो। हाँ जी हाँ, हम यहाँ ही सगतपुरा ही रहते हैं, हमारे मम्मी है हमारा, तो मैं इनको लेके आई हूँ यहाँ पर कि चलो ओम बन्ना के दर्शन करो, कि हमें भी ले चलो। तो जैसा कि अम्मा जी ने यहाँ पर बताया कि ये यहाँ कोटा से बिलोंग करते हैं, और ये जो माता जी हैं, दीदी हैं, तो ये उज्जैन से आए हैं, ये जमाईसा है इनके, तो ये ओम बन्नासा के दर्शन कर यहाँ पर आए हुए हैं, और काफ़ी अच्छा इनको यहाँ पर लगा है। जैसा कि ये पाली ज़िले में मंदिर है, ठीक एज इट इज़ ऐसा ही मंदिर, यहाँ पर देख के ये काफ़ी गदगद हुए हैं, काफ़ी अच्छा इनको यहाँ पर लगा है। तो ये सामने आप देख सकते हैं, ये मंदिर का व्यू है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओम बन्नासा की लाडली बुलेट लिखा हुआ है, और लाडली बुलेट आप देख सकते हैं किस तरीके की है। जैसा आपने ओम बन्नासा की बुलेट पाली ज़िले में देखी होगी, तो वैसी बुलेट यहाँ पर एज इट इज़ रखी हुई है। वो बुलेट पुरानी थी, और ये जो बुलेट है दोस्तों बिल्कुल नई ला के यहाँ पर स्थापना की है, ताकि लोगों को एक्चुअल ऐसा ही आभास हो जिस तरीके से वो पाली ज़िले में जाके ओम बन्नासा के दर्शन करते हैं। और ओम बन्नासा की जो खूबसूरत फ़ोटो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप बुलेट के ऊपर भी यहाँ पर जो फ़ोटो है ये रखा हुआ है। तो अगर जब भी आप यहाँ पर आएँ तो ओम बन्नासा के दर्शन ज़रूर करें, काफ़ी अच्छा ये मंदिर यहाँ पर एज इट इज़ जैसा पाली ज़िले में आपने देखा होगा तो वो बनाया हुआ है, और मैं भी आके एक्साइटेड हूँ यहाँ पर इस मंदिर में, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और आप भी आकर यहाँ पर ओम बन्नासा के दर्शन करेंगे। आज ओम बन्नासा की जो 34वीं पुण्यतिथि है, इस पावन अवसर पर मैं ये ब्लॉग आपके लिए स्पेशली बना रहा हूँ। आप कमेंट में आज जय श्री ओम बन्ना ज़रूर लिखें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।